हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग गाइस। सो गाइस, अभी था मैं बीच रोड पे मौजूद, जो हमारा किनगी वाला रोड है वहाँ पर। तो गाइस, मैं जा रहा था छीन धाम। वहाँ पर हमारे जो परिवार के चाचा जी हैं, मतलब जो परिवार के सदस्य हैं चाचा जी, उनका भंडारा था छीन में, इसलिए जा रहा था। तो गाइस, चलते हैं वहाँ पर और दादाजी के आपको दर्शन कराता हूँ छीन धाम में। और छीन धाम में आपको दादाजी दर्शन कराऊंगा और एंजॉय लेना ब्लॉक में। तो चलते हैं वहाँ पर। तो गाइस, अपन छीन धाम पहुँच चुके हैं और अभी जा रहे हैं दादाजी के दर्शन करने के लिए। आप छीन धाम देख सकते हो, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया हो चुका है पहले से। तो गाइस, ये मेन गेट पे भी कुछ कार्य चल रहा है, इसलिए ये गेट बंद करके रखा है। तो हम जाते हैं दूसरे गेट से। हमको तो यहाँ की सारी जगह पता है कौन सी गेट से कहाँ से, क्योंकि हम यहीं के हैं। पास में हमारे दादाजी का धाम है, दादाजी का मंदिर, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तब मन करता है तब आ भी जाते हैं दादाजी के दरबार में। तो चलते हैं, दादाजी दर्शन कराता हूँ आपको। तो गाइस, वहाँ पर कुछ लोग थे जो गुरुजी और एक बुजुर्ग दादाजी और थे, मना कर दिया वीडियो बनाने के लिए। बनानी नहीं थी मेरे को वीडियो, बोलते हैं किस लिए आए ये वो। मैं अच्छे के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेरे को बनाने नहीं देते लोग। वैसे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मंदिर, काफ़ी बढ़िया मंदिर हो चुका है पहले से। और यहाँ से कुछ काम चल रहा है, मतलब ये जो भी जो दिक्कत आ रही है, ये सारे इसमें जो गेट के, मतलब इतना यहाँ से तक वहाँ तक जितना अब कुछ दिक्कत है, वो सारी दिक्कत सुधारेंगे और इसको न्यू लुक दे पाएंगे और अच्छा भी लगेगा काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन कर रहे हैं वो मेहनत करके। और वहाँ की आप पीपल महाराज ये हैं, इनके दर्शन करिए, ये देख सकते हो। और आज दिन तो मैं आपको बताना भूल गया, आज दिन है रविवार संडे, जो सबके लिए खास होता है। ये देख सकते हो शंकर भगवान, नंदी भगवान और गणेश भगवान भी है यहाँ पर, शंकर भगवान का पूरा परिवार। और यहाँ पर दादाजी, वहाँ पर राम भगवान, तो उन्हें यहाँ के वीडियो बनाने नहीं देंगे। तो यहाँ से चलते हैं अपन। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। मेरी माँ बोले जो बोली वो ना छोटू मैं, तो मेरी तरफ ते कलियर मैडम सॉरी रे। तो गाइस, शाम का टाइम हो चुका है और भंडारे भी जहाँ तक बंद ही होने वाला है, और सबको भोजन प्रसादी भी हो चुकी है और अब सब जाने लगे हैं। तो गाइस, बरेली में रैली निकली थी, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सदस्य लोग यहाँ पर, सब सदस्य लोग हैं रैली निकालने वाले, आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से। काफ़ी बड़ी रैली निकली थी आज। अब मेरे को यहाँ से पता नहीं कि ये रैली निकलती क्यों है, करते क्या हैं, ऐसा कुछ पता नहीं है। पता चलेगा एक्सप्लेन वगैरह, मतलब मेरे को पता चलेगा किससे ये होता है, तो ज़रूर ब्लॉग में शूट करने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरा छीन धाम का और जो भंडारा करवाया चाचा जी ने, और यहाँ पर जो रैली निकल रही है,
अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस दीपावली के टाइम हमारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा अपडेट होता है, काफ़ी ज़्यादा न्यू क्वालिटीज़ वाले सामान आते हैं मार्केट में, और काफ़ी अच्छा मार्केट लगता है दीपावली के टाइम। आप देख सकते हो भरा भरा सा मार्केट लगता है, एक नंबर। तो इन्जॉय करिए ब्लॉग को, कलर ज़्यादा कर मिलेगा क्योंकि कलर का ज़्यादा टाइम है, घर में हर चीज़ में कलर ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। दुकान देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा भरी भरी सी हैं। तो चलते हैं।